हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका AR Academy के यूट्यूब चैनल में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये क्वेश्चंस हमारे JRF, BHU, UP के टेट और एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अतः हमारी वीडियो को देखकर चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे ऐसी वीडियो के लिए कमेंट करें और लाइक करें। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, एरिया अंडर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर इन इंडिया इज़। तो इसमें तो सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि ड्राई लैंड एग्रीकल्चर होता क्या है। एग्रीकल्चर के तीन तीन टाइप होते हैं, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, या इसे हम ड्राई लैंड फार्मिंग भी बोलते हैं। इसके पहले जो एक होता है वो होता है ड्राई फार्मिंग, और जो तीसरा होता है वो होता है रेनफेड फार्मिंग। ये जो तीनों क्लासिफिकेशन है, ये हमारा रेनफॉल के इंटेंसिटी के अनुसार इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। जो हमारा ड्राई फार्मिंग होता है उसकी रेनफॉल इंटेंसिटी जो है हमारी लेस देन 750 mm, 750 mm से कम होती है। जिन एरिया में 750 mm से कम रेनफॉल होती है उसे हम ड्राई फार्मिंग के अंतर्गत रखते हैं। जो ड्राई लैंड फार्मिंग होती है उसकी रेनफॉल इंटेंसिटी हमारी 750 से 1100 mm होती है, और जो रेनफेड फार्मिंग होती है वो हमारा ग्रेटर देन 1100 mm रेनफॉल इंटेंसिटी वाले एरिया जो होते हैं वो हमारे रेनफेड एग्रीकल्चर के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें पूछा गया है ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, मतलब जहाँ 750 से 1100 mm रेनफॉल इंटेंसिटी है वो एरिया कितना है। तो इसका जो आंसर है वो है 70%। हमारे इंडिया में 70% ड्राई लैंड एग्रीकल्चर होता है। अगला क्वेश्चन है, फॉर्मेशन ऑफ डीप क्रैक्स अरे इज द वो करेक्टर ऑफ। करो तो बिना कहाँ है डीप क्रैक्स मतलब फॉर्मेशन ऑफ डीप क्रैक्स, दरार का निर्माण किस सॉइल में होता है, किस सॉइल का करेक्टर है। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा ब्लैक सॉइल या वर्टी सॉइल। वर्टी सॉइल में क्या होता है, इसमें श्रिंकेज कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है, प्लास्टिक लिमिट होती है ज़्यादा, तो श्रिंकेज कैपेसिटी होती है, जिसकी वजह से ये पहले फूलती है फिर पिचकती है पानी की वजह से। इसलिए इसमें श्रिंकिंग की वजह से इसमें डीप क्रैक्स हो जाते हैं, और ये ब्लैक सॉइल का करेक्टर है। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ प्लांट इज मोर ड्रॉट टॉलरेंट। सूखे के लिए सबसे ज़्यादा किस टाइप के प्लांट टॉलरेंट होते हैं, प्रतिरोधी होते हैं, मतलब C3 या C4 या कैम प्लांट। तो इसका जो आंसर है वो होगा कैम, क्रेसुलेसिन एसिड मेटाबॉलिज्म। कैम प्लांट जो होते हैं वो हमारे सबसे ज़्यादा ड्रॉट टॉलरेंट होते हैं। इसमें जो है C3 के, जनरली आपने देखा होगा राइस होता है, इसमें गेहूं होता है, इनकी जितने भी C3 के प्लांट हैं इनकी वाटर डिमांड सबसे ज़्यादा होती है, फिर उससे कम जो हमारे C4 प्लांट की होती है, और फिर सबसे ज़्यादा कम जो हमारी होती है कैम कैम प्लांट की होती है। जैसे हमारा पाइन एप्पल हो गया, कैम प्लांट का एग्जाम्पल है। C4 जैसे गन्ना हो गया, बाजरा हो गया, और C3 हमारा गेहूं धान वगैरह हो गया। तो इसका एक क्वेश्चन और भी आ सकता है कि सबसे ज़्यादा वाटर यूज इफ़िशियंसी किस प्लांट की होती है। तो इसमें जो आंसर होगा वो हमारा होगा कैम प्लांट, और अगर C3 और C4 में पूछा जाए तो फिर C4 प्लांट। सबसे कम जो होती है वाटर यूज इफ़िशियंसी वो होती है C3 प्लांट। सबसे ज़्यादा वाटर यूज इफ़िशियंसी होने के कारण ही जो हमारे कैम प्लांट होते हैं वो ड्रॉट टॉलरेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेनी डे रिसीव द रेनफॉल, कितना रेनफॉल इंटेंसिटी या कितना मात्रा जो हमारा एक दिन में रेनफॉल की होगी तो वह रेनी डे कहा जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो है ग्रेटर देन 2.5 mm। 2.5 mm से ज़्यादा अगर रेनफॉल एक दिन में 24 घंटे में 2.5 mm से ज़्यादा रेनफॉल होती है तो वो दिन हमारा रेनी डे कहलाता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है क्रॉप रेनी डे, दोनों टर्म सेम है, सेम सेम लगते हैं, लेकिन एक रेनी डे एक क्रॉप रेनी डे। अगर रेनी डे है तो उसकी इंटेंसिटी ग्रेटर देन 2.5 mm होगी, और अगर क्रॉप रेनी डे पूछ लिया तो उसकी इंटेंसिटी ग्रेटर देन 5 mm, 5 mm से ज़्यादा बरसात अगर होगी तो हमारा क्रॉप रेनी डे कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच इज स्टोमेटल क्लोजिंग टाइप ऑफ एंटी ट्रांसपायरेंट। एंटी ट्रांसपायरेंट क्या होते हैं, ऐसे केमिकल्स या ऐसा कोई हमारा मैकेनिज्म हो जिससे ट्रांसपायरेशन रेट हमारा कम हो जाए प्लांट्स का।
उन्हें हम एंटी ट्रांसपायरेंट कहते हैं। ये जो हमारे चारों हैं एंटी ट्रांसपायरेंट के एग्जाम्पल हैं। तो इसमें पहला पूछा गया स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप, जनरली 90% जो हमारा ट्रांसपायरेशन होता है वो स्टोमेटा के द्वारा होता है, रंध्रों के द्वारा होता है। तो अगर स्टोमेटा ही क्लोज हो जाएंगे, ऐसा कोई मैकेनिज्म होगा, तो उससे ट्रांसपायरेशन कम होगा। तो इसमें पूछा गया हुई चीज़ स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप ऑफ एंटी ट्रांसपायरेंट, कौन सा केमिकल है जो स्टोमेटा क्लोज कर देता है। तो इसका जो आंसर है वो है PMA, इसका फुल फॉर्म है फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट। और एक और ही एग्जांपल है इसका, वो है एट्राजिन। एट्राजिन जो एक हमारा वीडिसाइड है, लेकिन अगर इसकी हम कम मात्रा यूज करते हैं तो हमारा एंटी ट्रांसपायरेंट के रूप में यूज होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये चारों ही चारों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है विच इज़ फिल्म फॉर्मिंग टाइप। फिल्म फॉर्मिंग टाइप ऑफ एंटी ट्रांसपायरेंट में क्या होता है कि इसमें एक जो है थिक लेयर बन जाती है पत्तियों के ऊपर, अगर उस केमिकल को हम अप्लाई कर देंगे जिससे क्या है ट्रांसपायरेशन रेट कम हो जाता है। एक लेयर बन जाने के कारण चिकनी लेयर होगी, इससे रंध्र बंद हो जाएंगे और फिर ट्रांसपायरेशन रेट हमारा कम हो जाएगा। इसका आंसर है हमारा मोबी लीफ। मोबी लीफ, मोबी ऑयल, सिलिकॉन, सिलिकॉन ऑयल, ये हमारे हैं मोबी लीफ, सिलिकॉन ऑयल, हेक्साडेकेनॉल, एक है हेक्साडेकेनॉल, ये है हमारा फिल्म फॉर्मिंग टाइप ऑफ एंटी ट्रांसपायरेंट। अगला है विच इज रिफ्लेक्टेड टाइप ऑफ एंटी ट्रांसपायरेंट, ऐसा केमिकल जिससे हमारा जो ट्रांसपायरेशन होता है वो सोलर रेडिएशन की वजह से होता है। तो अगर रेडिएशन ही रिफ्लेक्ट हो जाए, रिफ्लेक्शन हो जाएगा, तो उससे हमारा क्या होगा ट्रांसपायरेशन रेट कम हो जाएगी। सोलर रेडिएशन पड़ा पत्तियों पर और वो रेडिएट हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, तो जो है हमारा ट्रांसपायरेशन रेट कम हो जाएगी। तो ऐसा केमिकल कौन सा है, वो है केओलिनाइट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये केओलिनाइट। और दूसरा एक होता है सीलाइट। दो केमिकल हैं ये जो है हमारे रिफ्लेक्टेड टाइप है। ये रिफ्लेक्टेड टाइप को हम एल्बिडो टाइप भी कहते हैं। एल्बिडो को हम रिफ्लेक्शन ही कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रेडिएशन जो होता है वो हमारा कहलाता है एल्बिडो। तो इसको हम एल्बिडो टाइप ऑफ एंटी ट्रांसपायरेंट भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, विच इज़ ग्रोथ रिटार्डेंट एंटी ट्रांसपायरेंट। ग्रोथ रिटार्डेंट मतलब जो हो प्लांट की ग्रोथ को ही कम कर देता है। ग्रोथ रिटार्डेंट में क्या होता है, शूट की ग्रोथ कम हो जाती है और रूट की ग्रोथ ज़्यादा कर देता है ये केमिकल। रूट की ग्रोथ की वजह से वाटर एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है और शूट ग्रोथ की वजह से पत्तियों की संख्या कम हो जाएगी और जो बाहर की कैनोपी है जिससे ट्रांसपायरेशन होता है वो कम हो जाएगा। तो उसे हम ग्रोथ रिटार्डेंट टाइप ऑफ एंटी ट्रांसपायरेंट कहते हैं। और जो इसका एग्जाम्पल है वो है साइकोसेल। साइकोसेल को जो कहते हैं क्लोरमेक्वाट भी कहते हैं, केमिकल नेम क्लोरमेक्वाट। और जो दूसरा एग्जाम्पल वो है सक्सीनिक एसिड। दो एग्जाम्पल इसके भी हैं, साइकोसेल और सक्सीनिक एसिड। साइकोसेल को क्या कहते हैं, CCC भी इसको कहते हैं, CCC शॉर्ट नेम इसका CCC और केमिकल नेम क्लोरमेक्वाट। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, ग्रेडेड बंड्स आर सुटेबल फॉर, ये जो हमारा कंजर्वेशन मीजर है, इरोजन के कंजर्वेशन मीजर और अगर हिली एरिया हुए या कहीं हुए उनके जो कंजर्वेशन मीजर अप्लाए जाते हैं, ग्रेडेड बंडिंग, कंटूर बंडिंग, ये उनमें से एक है हमारा ग्रेडेड बंड्स। तो इसमें पूछा गया है ग्रेडेड बंड्स आर सुटेबल फॉर, ग्रेडेड बंड्स कहाँ पर अप्लाई करते हैं मतलब। तो इसका सबसे ज़्यादा जो एक ही ऑप्शन आता है मेनली पूछा जाता है वो है किस रेनफॉल इंटेंसिटी पर ग्रेडेड बंड्स यूज किए जाते हैं। तो अगर 800 mm से ज़्यादा रेनफॉल इंटेंसिटी है तो वहाँ पर हम ग्रेडेड बंड्स का यूज करते हैं। और इसका जो इसका स्लोप होती है, स्लोप लिमिट वो होती है ग्रेटर देन 10%, और ये जनरली रेड सॉइल पर अप्लाई किया जाता है। इसमें जो मेनली पूछा जाता है रेनफॉल कि ग्रेटर देन 800 mm इंटेंसिटी पर कौन सा कंजर्वेशन मीजर अप्लाई करते हैं, तो उसका आंसर होगा हमारा ग्रेडेड बंड्स। कभी कभी स्लोप भी पूछ लेता है, स्लोप हमारा होगा 10% और सॉइल रेड सॉइल में अप्लाई करते हैं। अगला क्वेश्चन है कंजर्वेशन मीजर फॉर हाई एंड लो रेनफॉल एरिया। हाई एंड लो रेनफॉल एरिया के लिए कौन सा कंजर्वेशन मीजर अप्लाई करते हैं, तो इसका आंसर होगा हमारा ग्रेडेड बॉर्डर स्ट्रिप। ग्रेडेड बॉर्डर स्ट्रिप, कंफ्यूज नहीं होना ग्रेडेड बंड और ग्रेडेड बॉर्डर स्ट्रिप में। जब ग्रेटर देन 800 mm रेनफॉल होगी तो हमारा ग्रेडेड बंड,
और जब कंजर्वेशन मीजर हाई एंड लो रेनफॉल एरिया दोनों के लिए होगा तो ग्रेडेड बॉर्डर स्ट्रिप। अगला क्वेश्चन है, बेंच टेरेसिंग इज पॉसिबल अप टू % स्लोप। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है, क्योंकि ये जो कंजर्वेशन मीजर है सबसे ज़्यादा स्लोप में यूज किया जाता है, ग्रेटर देन 33% स्लोप, 33% स्लोप में ये अप्लाई किया जाता है। हिली एरिया के लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल कंजर्वेशन मीजर है। जो इसके जो बेंच टेरेसिंग के 3 टाइप होते हैं, एक तो लेवल बेंच टेरेस, दूसरा होता है हमारा इनवर्ड बेंच टेरेस, एक होता है आउटवर्ड बेंच टेरेस, इनवर्ड आउटवर्ड। तो यहाँ पूछा गया है लेवल बेंच टेरेस इज सुटेबल फॉर द एरिया, तो इसका जो आंसर होगा, लेवल बेंच टेरेस हमारा क्या है, मीडियम रेनफॉल के लिए, मीडियम रेनफॉल इंटेंसिटी जहाँ होती है वहाँ लेवल बेंच टेरेस यूज होता है। और जो हमारा इनवर्ड होता है, इसमें हमको कैसे याद करना है, देखिए पहले हमारा अगर हम सीरियल देखेंगे तो पहले हमारा आएगा इनवर्ड, फिर आएगा लेवल, फिर आएगा आउटवर्ड। तो इसमें हम देखेंगे इनवर्ड सबसे पहले हाई रेनफॉल इंटेंसिटी के लिए, जो हमारा लेवल बेंच टेरेस होगा वो होगा मीडियम रेनफॉल इंटेंसिटी के लिए, और जो आउटवर्ड होगा वो हमारा होगा लो रेनफॉल इंटेंसिटी के लिए। ऐसे करके हम तीनों सीरियल बना के याद कर सकते हैं, पहला जो हाई, मीडियम, लो रेनफॉल, और इनवर्ड, लेवल और आउटवर्ड हमारा बेंच टेरेस। तीनों का सीरियल अगर तीनों एक एक सीरियल से रख देंगे दोनों चीज़, रेनफॉल इंटेंसिटी और बेंच टेरेस, तो हमारा वो कंजर्वेशन मीजर आ जाएगा किस रेनफॉल इंटेंसिटी के लिए होगा। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट सिस्टमेटिक अप्रोच ऑन ड्राई लैंड फार्मिंग वाज स्टार्टेड बाय, किस वैज्ञानिक ने, किस साइंटिस्ट ने सबसे पहले ड्राई लैंड फार्मिंग अप्रोच दिया था, ड्राई लैंड पर स्टडी की थी। तो इसका जो आंसर है वो है तम हाने, एक साइंटिस्ट थे तम हाने नाम के, उन्होंने सबसे पहले ड्राई लैंड फार्मिंग पर अपनी रिसर्च स्टडी की थी, और उनके बाद फिर कनितकार नाम के एक दूसरे वैज्ञानिक हुए, उन्होंने स्टडी की, कनितकार। अगला क्वेश्चन है, प्लांट्स कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल बिफोर वाटर स्ट्रेस इज कॉल्ड। वाटर स्ट्रेस के पहले ही अगर कोई प्लांट अपना कंप्लीट कर लेता है लाइफ साइकिल, उसे क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं इफीमेरल टाइप ऑफ प्लांट। इफीमेरल हमने वीट साइंस में डिस्कस किया था कि इफीमेरल प्लांट्स किसे कहते हैं, जिनकी लाइफ साइकिल शॉर्ट होती है। तो ये वाटर स्ट्रेस से इसीलिए बच जाते हैं क्योंकि इनकी लाइफ ड्यूरेशन जो है बहुत कम होती है, जनरली 3 से 4 महीने की क्रॉप ही होती है, लेकिन इनकी जनरली 4 से 6 हफ्ते में लाइफ साइकिल पूरी हो जाती है, जिसकी वजह से ये वाटर स्ट्रेस के लिए अवेलेबल हो ही नहीं पाते। और ये जो है हमारा ड्रॉट एवॉइडेंस मैकेनिज्म है, मतलब इसमें क्या होता है, एवॉइड कर देता है हमारे प्लांट क्या है, स्ट्रेस को एवॉइड कर लेते हैं। किस तरह एवॉइड कर लेते हैं, लाइफ साइकिल इनकी लाइफ ड्यूरेशन कम होती है, जिसकी वजह से ये ड्रॉट से बच जाते हैं, वाटर स्ट्रेस से बच जाते हैं। और ऐसे प्लांट जो जिनकी लाइफ साइकिल कम होती है या वाटर स्ट्रेस के पहले पूरे कर लेते हैं, उन्हें इफीमेरल प्लांट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कजरी, इसे कजरी भी कहते हैं शॉर्ट में, कहाँ है ये, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, एरिड जोन। तो एरिड जोन जनरली हमारे इंडिया में कहाँ है, राजस्थान में, तो ये भी सिचुएटेड है कहाँ, जोधपुर, राजस्थान के जोधपुर में। अगला क्वेश्चन है, इरोजन परमिटिंग क्रॉप अल्टरनेटिव विद इरोजन रजिस्टिंग क्रॉप, यहाँ रजिस्टिंग क्रॉप है, ऑफ क्रॉपिंग इज कॉल्ड, मतलब अल्टरनेट रो में इरोजन परमिटिंग जो क्रॉप मतलब इरोजन को बढ़ावा देती हैं, और जो क्रॉप इरोजन को कम करती हैं, इरोजन रजिस्टिंग क्रॉप, उन ऐसे क्रॉपिंग को क्या कहते हैं, तो इसका जो आंसर है कंटूर स्ट्रिप क्रॉपिंग, कंटूर स्ट्रिप क्रॉपिंग। अगर यहाँ पर सिर्फ हम कंटूर क्रॉपिंग कह देंगे तो ये गलत हो जाए, कंटूर क्रॉपिंग में क्या होता है हमारा कि वो स्लोप में थोड़े बहुत स्लोप जो होता है, लेस देन 6% स्लोप होता है, उसमें जो क्रॉपिंग कहते हैं उसे कंटूर क्रॉपिंग कहते हैं। लेकिन कंटूर स्ट्रिप क्रॉपिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग हमारा इरोजन परमिटिंग क्रॉप और इरोजन रजिस्टिंग क्रॉप। इरोजन परमिटिंग क्रॉप जनरली कौन सी होती हैं, सैलो रूटेड, जितनी भी सैलो रूटेड हो गई, राइस हो गई, हमारा वीट हो गया,
या सैकेरम हो गया, ये हमारा जो है इरोजन परमिटिंग क्रॉप होती हैं। और जो जितनी भी डीप रूटेड होती हैं, हमारी पल्सेज हो गई, जितनी भी पल्सेज हैं सब डीप रूटेड होती हैं, और ये हमारी इरोजन रजिस्टिंग क्रॉप है। एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी पूछा जाता है कि इरोजन परमिटिंग क्रॉप और इरोजन रजिस्टिंग क्रॉप जब सोइंग होती है कंटूर स्ट्रिप क्रॉपिंग में, तो किस क्रॉप को पहले बोते हैं, इरोजन परमिटिंग क्रॉप को या इरोजन रजिस्टिंग क्रॉप को? तो इसका जो आंसर है वो हमारा इरोजन परमिटिंग क्रॉप। सबसे ऊपर हिल पे हम सबसे पहले इरोजन परमिटिंग, जो क्रॉप इरोजन करेगी सबसे पहले उसको बोते हैं भाई, फिर उसके बाद इरोजन रजिस्टिंग क्रॉप को। ये याद रखना, ये कभी कभी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रोइंग क्रॉप इन प्लेस ऑफ नॉर्मल क्रॉप्स अंडर एबनॉर्मल वेदर कंडीशन। अगर हमें पता लग गया कि एबनॉर्मल वेदर कंडीशन है, वेदर अनुकूल नहीं है क्रॉप के, तो कोई अन्य क्रॉप लेना जो उस एबनॉर्मल वेदर को रजिस्ट कर सके, या उस एबनॉर्मल वेदर में भी कुछ प्रोडक्शन हमको दे सके। तो ऐसे कंडीशन को या ऐसी क्रॉपिंग को हम कहते हैं कॉन्टीजेंसी क्रॉपिंग, कॉन्टीजेंसी क्रॉपिंग। अगला क्वेश्चन है, वाटर कलेक्टेड एंड डिलीवर्ड इनटू सिंगल आउटलेट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर है वो है वाटर शेड। वाटर शेड हमारा क्या होता है, कॉमन ड्रेनेज पॉइंट होता है। कॉमन ड्रेनेज पॉइंट क्या, किसी एक एरिया होता है हमारा, एरिया में कई जगह से हमारा ड्रेनेज सिस्टम होता है और वो सारा पानी एक जगह इकट्ठा होता है, पूरी यूनिट को हम क्या कहते हैं, वाटर शेड। अगला क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट डेवलप वाटर शेड टेक्नोलॉजी सुटेबल फॉर वर्टी सॉइल। वर्टी सॉइल मीन्स ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल के लिए किस इंस्टीट्यूट ने सुटेबल टेक्नोलॉजी विकसित की है? तो इसका जो आंसर है वो हमारा इक्रीसेट, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, ये है हमारा हैदराबाद में। तो इक्रीसेट हैदराबाद ने वर्टी सॉइल के लिए, ब्लैक सॉइल के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप की थी। मतलब किस तरह की टेक्नोलॉजी हम ब्लैक सॉइल में यूज करेंगे, कंजर्वेशन मीजर, ये इक्रीसेट ने किया था। अगर यहीं पर हम पूछें कि रेड सॉइल के लिए, एलपी सॉइल के लिए किस इंस्टीट्यूट ने विकसित किया टेक्नोलॉजी, तो उसका जो आंसर होगा हमारा आईसीआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, उसने रेड सॉइल के लिए डेवलप किया। अगला क्वेश्चन है, प्रोसेस ऑफ रन ऑफ कलेक्शन ड्यूरिंग पीक एंड स्टोरेज यूजुअली रिफर्ड। रन ऑफ का कलेक्शन करना, जितना भी हमारा वाटर बहता है, बरसात होती है वाटर बह जाता है इधर उधर, तो उसका स्टोरेज अगर हम करेंगे तो उसे क्या कहेंगे? तो वो हमारा कहलाता है वाटर हार्वेस्टिंग। बहुत ही ज़्यादा नीड है इस समय इसकी पूरे वर्ल्ड में, जिस तरह दिन प्रतिदिन वाटर की कमी होती जा रही है, वाटर हार्वेस्टिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है, ग्राउंडनट डिगर डेवलप्ड बाई, मूंगफली खोदक यंत्र जिससे हम मूंगफली को खोदते हैं, वो किसके द्वारा डेवलप्ड किया गया है? तो इसका जो आंसर है वो है CIAE भोपाल, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ये कहाँ है, भोपाल में, उसने ग्राउंडनट डिगर की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल रिसर्च इज सिचुएटेड इन। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट पूछा गया ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर, ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर का इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है वो कहाँ है हमारा? देखिए यहाँ पर बताते हैं अभी आपको, ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट तो है हमारा इबाडान, एक जगह है नाइजीरिया में, ये हमारा है नाइजीरिया। ये क्या है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर। एक क्वेश्चन है ICTA, ये हमारा है IITA, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर। ICTA जो है वो है इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर, दोनों में सिर्फ एक वर्ड का अंतर है, ये है हमारा इंटरनेशनल सेंटर और ये है हमारा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट। इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर। तो ये जो इंटरनेशनल सेंटर है ये हमारा कोली कोलंबिया, कोलंबिया में एक जगह है कोली नाम की,
वो हमारा वहाँ है हमारा इंटरनेशनल सेंटर। तो आपको कैसे याद रखना है, यहाँ है इंटरनेशनल सेंटर, अगर सेंटर है सी से सेंटर, सी से कोली कोलंबिया, और ये हमारा आई से इंस्टीट्यूट, आई से इबाडान नाइजीरिया, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सरफेस क्रस्टिंग इज अ सीरियस प्रॉब्लम इन, अभी हमने डिस्कस किया था कि डीप क्रैक किस सॉइल में होते हैं, वो हमारा ब्लैक सॉइल में होता है, लेकिन सरफेस क्रस्टिंग ये किस सॉइल में होता है, तो इसका जो आंसर है हमारा वो होता है रेड सॉइल। रेड सॉइल में जनरली क्या होता है, एक्यूमुलेशन हो जाता है नीचे, और डीप लेयर में बी लेयर में लगभग हमारा सरफेस क्रस्टिंग हो जाती है, कैलकेरियस सॉइल का डेवलपमेंट हो जाता है और क्रस्ट बन जाती है हार्ड, जिससे कि रूट पेनिट्रेट नहीं हो पाती है और वाटर का स्ट्रेस हो जाता है प्लांट्स में। अगला क्वेश्चन है, व्हेन एनुअल प्रेसिपिटेशन इज लेस देन नॉर्मल, हमारा मान लीजिए किसी एरिया का एनुअल प्रेसिपिटेशन हमारा 1100 mm है, लेकिन वो ये नॉर्मली है अगर, और इससे कम हो रहा है प्रेसिपिटेशन, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो ये जो हमारा कहलाएगा मेटियोरोलॉजिकल ड्रॉट, जब एनुअल प्रेसिपिटेशन हमारा लेस देन नॉर्मल से होता है तो मेटियोरोलॉजिकल ड्रॉट कहलाता है, मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इंटर कल्टीवेशन क्रिएट्स लूज सॉइल विच प्रिवेंट इवेपोरेशन इज कॉल्ड, ये जो हमने यहाँ पांच क्वेश्चन दे रखे हैं, पांचों हमारे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, और ये सबसे पहले तो प्रिवेंट इवेपोरेशन ये जो वर्ड है इसको समझना ज़रूरी है। इवेपोरेशन का मतलब आप सबको पता है कि लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल इन फॉर्म ऑफ वेपर, वेपर के रूप में सॉइल से वाटर का लॉस जो हमारा होता है वो होता है इवेपोरेशन। ठीक, तो प्रिवेंट इवेपोरेशन मतलब सॉइल से हमें वाटर का लॉस रोकना है, वो कैसे होगा, जब हम उसमें ऊपर से मल्चिंग करेंगे। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, इसका मतलब प्रिवेंट इवेपोरेशन का मतलब यहाँ पर पूछ रहा है मल्चिंग। सबसे पहले ये जरूरी, ये समझना ज़रूरी है कि पूछा क्या जा रहा है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है मल्चिंग, क्योंकि इवेपोरेशन हमारा मल्चिंग से ही रिड्यूस होगा। तो चलिए अब इसमें क्या पूछा जा रहा है, व्हेन इंटर कल्टीवेशन क्रिएट्स, जब हम तरह तरह के ऑपरेशंस करते हैं फील्ड पे, और तो उससे क्या होती है, सॉइल लूज होती है, डस्ट बनती है, तो उस तरह की प्रिवेंट इवेपोरेशन इज कॉल्ड, उसे क्या कहेंगे। तो इतना तो हमें एक वर्ड पता चल गया कि वो हमें मल्चिंग मल्चिंग बताना है यहाँ पर, लेकिन ये किस टाइप का मल्चिंग है, तो लूज सॉइल हो जाएगी मतलब डस्ट बनेगी, डस्ट की वजह से जो है एक लेयर बन जाती है हमारे सॉइल में और उससे इवेपोरेशन का लॉस कम होता है, तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा होगा डस्ट मल्चिंग। लूज सॉइल से हमें याद रखना है डस्ट मल्चिंग, इंटर कल्टीवेशन होगा, सॉइल लूज होगी, उससे डस्ट बनेगी, एक लेयर बनेगी और उसे हम कहेंगे डस्ट मल्चिंग। अगला क्वेश्चन है, व्हेन कॉटन स्टॉक रिड्यूस वेपोरेशन, कॉटन स्टॉक, कॉटन स्टॉक को क्या कहते हैं हम, स्टेबल, STUBBLE, स्टेबल कहते हैं कॉटन स्टॉक को। तो ये हमारा किस टाइप का मल्चिंग होगी, ये हमारा होगा स्टेबल मल्चिंग। अगला है हमारा पैडी स्ट्रॉ रिड्यूस वेपोरेशन, तो ये तो सीधा सीधा है स्ट्रॉ, स्ट्रॉ से स्ट्रॉ मल्चिंग, स्ट्रॉ मल्चिंग। अगला है वर्टिकल ट्रेंच फील्ड विद एग्रीकल्चर वेस्ट रिड्यूस वेपोरेशन, में क्या कहते हैं, थोड़े थोड़े गड्ढे कर देते हैं वर्टिकल गड्ढे फील्ड में, और उसे जो है हम फील्ड कर दें एग्रीकल्चर वेस्ट, जैसे पत्तियां हो गई, कुछ भी हो गया जो हमारा डिकम्पोजेबल मैटर है उससे हम फील्ड कर देते हैं, तो इसे हम कहते हैं वर्टिकल मल्चिंग, और ये जो है ज़्यादातर कॉफ़ी में यूज होती है और ब्लैक सॉइल में यूज होती है, कॉफ़ी और ब्लैक सॉइल में वर्टिकल मल्चिंग यूज होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, चारों पांचों जितने भी हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है डस्ट मल्च। और आखिरी क्वेश्चन है हमारा, नहीं आखिरी नहीं सॉरी, पॉलीथीन और पॉलीविनाइल क्लोराइड रिड्यूस वेपोरेशन, तो ये सीधा सीधा ये भी हो जाएगा, पॉलीथीन हमारा क्या है प्लास्टिक, तो ये हमारा हो जाएगा प्लास्टिक मल्च। पॉलीथीन का अगर यूज हम करेंगे, पॉलीथीन किससे बनती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड से पॉलीथीन बनती है, तो ये हमारा हो जाएगा टाइप ऑफ प्लास्टिक मल्च।
अगला क्वेश्चन है, अमीनो एसिड विच इज इंडिकेटर ऑफ वाटर स्ट्रेस। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस तरह भी पूछा जाता है कि वाटर स्ट्रेस होने पर कौन सा अमीनो एसिड हमारा प्लांट्स पर एकुमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। तो इसका जो आंसर है वो है प्रोलीन, एकमात्र अकेला अमीनो एसिड है जो वाटर स्ट्रेस होने पर हमारे प्लांट में एकुमुलेट हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई कम्पिटेटिव एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है ये। तो दोस्तों आज का हो गया, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, शेयर कीजिए, और जितने भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम देने वाले छात्र हैं उन सबको बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।